क्वेश्चंस की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इसलिए उनको कैटेगराइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वीडियो में साइंस से रिलेटेड, साइंस कॉम्बिनेशन, पेडागॉजी ऑफ साइंस, फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम जो है आप भी उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अलग से वीडियो जो आप देख सकते हो, कई रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, काइंडली वो वीडियो देख लोगे तो मेरा वो मैं सभी को जवाब दे सकूंगा। अदरवाइज मेरे ख्याल में कई लोगों की बारी नहीं आ रही तो मेरे से नाराज भी हो सकते हैं। सर, अगर हम आइसोलेटेड सब्जेक्ट फिजिकल साइंस, हम एक कैसे पता चलेगा कि कॉलेज वाले हमें केमिस्ट्री की टीचिंग टेक्निक्स पढ़ा रहे हैं या फिजिक्स की एडमिशन से पहले, या कॉलेज वालों जो पूछना पड़ेगा, पता नहीं क्या करेगा। ये देखिए, ये ऑलरेडी ये समझा चुके हैं, आपने ग्रेजुएशन में अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़ी है ना, या और कोई साइंस इससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड इसे, ये बताया था कि ये दोनों ही आपको लीड कर रही हैं फिजिकल साइंस के लिए, ठीक, और ये लाइफ साइंस के लिए, इतना आपको क्लियर है। लेकिन जब सिलेबस होता है तो वो सिलेबस केमिस्ट्री को या फिजिक्स को नहीं उठाएगा, वो एजुकेशन को उठाएगा। आप बैचलर ऑफ एजुकेशन कर रहे हो, बी एड कर रहे हो, बैचलर ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन नहीं, आपको टीचिंग टीच करनी है ना, तो टीचिंग जब टीच करनी है, हां उसमें एग्जांपल्स केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों की आएंगी। सिलेबस जो होगा वो होगा एम्स ऑफ फिजिकल साइंस, मैं ऐसा करूंगा सिलेबस आपको दिखा ही दूंगा। तो आपका फिजिकल साइंस का यूनिवर्सिटी ने सिलेबस डिसाइड किया हुआ है, उसको ये केमिस्ट्री या फिजिक्स नाम नहीं दिए, ये आपके ग्रेजुएशन में नाम होते हैं, तो ये दोनों को ही कवर करेंगे। तो आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि ये मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं, बीएड ने ये, एजुकेशन वालों ने ये कह दिया। अगर फिजिकल साइंस आपने पेडागोजी पढ़ ली है तो आप अगर इसकी आपने 3 साल पढ़ा है या केमिस्ट्री 3 साल पढ़ा है, इट मीन्स प्लस आपने फिजिकल साइंस की पीजी कर ली है, फिर हर हालत में आप गवर्नमेंट पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। मैं ये बताना चाहता हूं, बेशक आपने केमिस्ट्री पढ़ी है, बेशक हाँ उसका सिलेबस जो है इन दोनों का सेम है, कॉमन है, वो दिखा दूंगा। अगर फिजिकल साइंस लेते हैं तो कॉलेज के बच्चों को भी पढ़ने के लिए एलिजिबल है। कॉलेज के बच्चों का मतलब आप कह रहे हो कि ग्रेजुएशन को बीए को पढ़ा, बीए बीएससी को पढ़ाने के लिए, क्या आपका कॉलेज के बच्चों को ग्रेजुएशन के पढ़ाने के लिए अगर पूछा है तो नहीं, आप सिर्फ 10+1 और 10+2 तक टीच करने के लिए एलिजिबल हो। ग्रेजुएशन को टीच करने के लिए आपको यूजीसी नेट करना पड़ेगा, अगर मुझे क्वेश्चन आपका समझ आ गया है तो इसका ये जवाब। सर, मैं बीएससी मेडिकल जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री कीती है, एमएससी जूलॉजी कीती है, तो आपका लाइफ साइंस की तरफ जा रहा है सारा कुछ, एमएससी जूलॉजी हो गई ना, ये हो गया। लाइफ साइंस प्लस फिजिकल साइंस चूज करने के बाद मास्टर कैडर के लिए एलिजिबल ना, नहीं आप नहीं हो, आपको हर हालत में ये 3 साइंसेस पढ़ी है ना, आपको साइंस प्लस लाइफ साइंस मिल जाएगी। ये देखिए, ये कॉम्बिनेशन लीजिए, आपको लाइफ साइंस, साइंस और फिजिकल साइंस भी मिल जाएगी, ये भी आपको मिल जाएगा। तो इसको चूज के लिए जो साइंस होगी वो आपका, ये आपका क्वेश्चन था ना, ये कहा गया मास्टर कैडर, ये साइंस लेके जाएगी, ये फिजिकल साइंस, और ये आपको +1-2 के लिए पीजीटी के लिए लेके जाएंगे, सो आप नहीं एलिजिबल होगे। सॉरी, आपका क्वेश्चन पीजी लेट समझ आया मुझे, ग्रेजुएशन के बाद साइंस ही ले सकते हैं फिजिकल साइंस नहीं, ये पूछा है इन्होंने। ग्रेजुएशन में नेचुरली आपने क्या पढ़ा है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो है ना, जहां मैथ्स में साथ में पढ़ा है, तो जब वो केमिस्ट्री और फिजिक्स है, इसकी बन गई आपकी फिजिकल साइंस, इट मींस ग्रेजुएशन के बाद आप फिजिकल साइंस पढ़ सकते हो। मैंने ये कहा था कि इनका फायदा आपको, लाभ होना चाहिए, जॉब के लिए आप एलिजिबल नहीं बने,
फिजिकल साइंस करके, वो एलिजिबल कब बनोगे? जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लोगे। किसकी? फिजिकल साइंस की, केमिस्ट्री या फिजिक्स की। तो ये आप ये करके आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अदरवाइज आपने ग्रेजुएशन की केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ी है, इससे आपको सीधा अगर साइंस आप ले लेते हो तो टीजीटी के लिए एलिजिबल हो गए। आपने बीएड किया आप एलिजिबल हो गए हो, यहां आप एलिजिबल नहीं हो। 2 साल आपको फिर लगेंगे, फिर उसके बाद फिजिकल साइंस के लिए एलिजिबल बनोगे और पोस्ट जो गवर्नमेंट है तब दूसरा है नंबर ऑफ पोस्ट इसकी कम होगी। ये मैंने डिफरेंस बताए थे। सो आप एलिजिबल हो लेकिन फायदा नहीं है, फायदा पीजी के बाद है, ये आपका उत्तर है। सर लाइफ साइंस वाले स्टूडेंट मास्टर केडर लिए एलिजिबल है? लाइफ साइंस वाले, अभी ये मैंने बताया है कि लाइफ साइंस वाले, ये रहा लाइफ साइंस है ना, ये लाइफ साइंस किससे बना? बायो की ब्रांच से, बायो की किसी भी ब्रांच से लाइफ साइंस आपको मिल गया। तो आप लाइफ साइंस के बाद 10+1 और 10+2 को पीजीटी के लिए ही एलिजिबल हो। टीजीटी के लिए आपने जो पूछा है मास्टर कैडर, उसके लिए नहीं एलिजिबल। उसके लिए तभी एलिजिबल हो अगर आप पेडागोजी ऑफ साइंस या टीचिंग ऑफ साइंस पढ़ते हो। मतलब उसके लिए आपने बायो प्लस एक और साइंस, फिजिकल साइंस या केमिस्ट्री है ना, इनमें से कोई पढ़ी हो, जहां और भी ब्रांचेस हैं इनकी आपकी, उनमें से कोई पढ़ी हो 3 साल, तो आप साइंस मिलेगी आपको। तो आप, आपका उत्तर है कि आप नहीं एलिजिबल, पीजीटी के लिए एलिजिबल हो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन लाइफ साइंस की, बायोलॉजी की ब्रांच की कर लेते हो। सर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन जलंधर में हिंदी को एडिशनल में रखना सकती हूँ बीएड के? नहीं, गल नहीं समझाई मुझे। सर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन जलंधर कॉलेज में हिंदी को एडिशनल में रखा सकती हूँ? नहीं, आप हिंदी है ही नहीं वहां, हिंदी आप है ही नहीं, आप वहां नहीं ले सकते, कुछ नहीं ले सकते, आपको हिंदी का वहां नहीं कुछ मिलेगा। अगर हिंदी है तो मिलेगा, मेरे ख्याल मैंने स्टडी किया था, हिंदी नहीं मुझे मिली, तो आप नहीं वहां ले सकते, एडिशनल भी नहीं ले सकते। सर लाइफ साइंस, अगर आपका क्वेश्चन कोई और है तो क्लियर कीजिए बीएड के साथ ही। मतलब आप ये कह रहे हो कि कॉलेज ऑफ एजुकेशन लिखा है ना आपने एडिशनल, फिर किसका एडिशनल कह रहे हो? कि आप ग्रेजुएशन या बीए का एडिशनल हिंदी देना चाहते हो, ऐसे कह रहे हो? तो वो भी आप ओपन यूनिवर्सिटी से, जहां आपकी ही यूनिवर्सिटी यहां से है, अगर गुरु नानक से ही किया है आपने बीए, तो उससे आप ब्रांच में, ये अलग वीडियो बना दूंगा, पता चल जाएगा। तो मुझे क्वेश्चन पूरा क्लियर नहीं हुआ। सुमनप्रीत कौर सिमू, सर लाइफ साइंस दे नाल मास्टर केडर ऑफ साइंस ली एलिजिबल हो सकते? नहीं हो सकते। नहीं हो सकते जी, मास्टर केडर लेनी, आप पीजीटी लिए एलिजिबल हो सकते हैं अगर आपने बायो की पोस्ट ग्रेजुएशन को की है, बायोलॉजी की किसी भी ब्रांच की पोस्ट ग्रेजुएशन की है स्कूल सब्जेक्ट की। तो आपका उत्तर है नहीं हो सकते। सर मैं बीएससी मेडिकल जूलॉजी केमिस्ट्री बॉटनी जनरल पंजाबी इंग्लिश कीती हुई है, जनरल पंजाबी इंग्लिश को बहुत ज्यादा पीछे रखिए, क्रॉस लगा दीजिए अभी, और एमएससी जूलॉजी है तो आपका लाइफ साइंस में मन रहा है। मैं साइंस प्लस लैंग्वेज दी जगह पे लाइफ साइंस ते फिजिकल साइंस, मेरे ख्याल में इसका उत्तर मैं दे चुका हूं। है ना, इसका उत्तर दे चुका हूं आपके लिए, फिर भी यहां ब्रीफ कर देता हूं। आप के लिए बेस्ट है, लेकिन आप क्या करना चाहते हो, मास्टर केडर दे टाइम पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? लाइफ साइंस वाले स्टूडेंट मास्टर केडर लिए एलिजिबल है? नहीं एलिजिबल, लाइफ साइंस वाले मास्टर केडर के लिए नहीं एलिजिबल। लाइफ साइंस और फिजिकल साइंस का मतलब है लाइफ साइंस आप पीजीटी के लिए जाना चाहते हो, फिजिकल साइंस का मतलब है आप पीजीटी के लिए जाना चाहते हो। इसके लिए आपको लाइफ साइंस के लिए बायो की कोई पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल एक्स्ट्रा लगेंगे आपके, और इसकी फिजिकल साइंस की केमिस्ट्री की आप है ना 2 साल एक्स्ट्रा लगेंगे, आपको ये पीजी करनी पड़ेगी। उसके बाद आप प्लस टू के लिए, फिर भी आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो गए। मतलब क्लियर कट आंसर है, आप यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मास्टर केडर इफ यू हैव चूजन लाइफ साइंस और फिजिकल साइंस इन ग्रेजुएट बीएड। ओके, लाइफ साइंस और लैंग्वेज वाले मास्टर केडर ली, ये देखिए आपने लैंग्वेज पूछ ली है यहां पर, लाइफ साइंस वाले तो नहीं है, ये हो गया। साथ में अगर लैंग्वेज है, मान लीजिए आपने इंग्लिश ली है,
इंग्लिश आपने ले ली है लेकिन उसके बाद आप बीए का एडिशनल दोगे, एक महीने में हो जाता है, तीन साल का, थ्री ईयर का टू पेपर, मतलब के छह पेपर होंगे, एक महीने में हो जाते हैं, ये थोड़ा इजी है, ये फिर भी दो साल ही लगने हैं, ये यहां पर एडिशनल इंफॉर्मेशन ले लीजिए। तो आप इसके बाद लैंग्वेज की पेडागोजी ऑफ इंग्लिश लिखी थी एडिशनल करने के बाद बीए का आपकी ही यूनिवर्सिटी से, फिर आप मास्टर कैडर के लिए, ये आपका क्वेश्चन था ना, मास्टर कैडर के लिए फिर आप एलिजिबल हो जाते हो। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आई हैव डन बीएससी मेडिकल, आपके मेजर सब्जेक्ट है जूलॉजी बॉटनी एंड केमिस्ट्री, तो जूलॉजी बॉटनी आपको लाइफ साइंस आपका बन रहा है, ये हो गया, और ये आपका फिजिकल साइंस हो गया, है ना, दो है आपके पास, तो आपको साइंस मिलेगा ही मिलेगा, साइंस आपको मिलेगा ही, एंड पंजाबी फ्रॉम बरजिंदरा कॉलेज, आपने लिए नहीं लिखा इलेक्टिव पंजाबी, इलेक्टिव पंजाबी बीएससी में नहीं होती, एग्जाम मतलब नहीं है, विच कॉम्बिनेशन शुड बी चूज प्लीज गाइड मी आउट। सर आपके लिए साइंस और फिजिकल साइंस नंबर वन, या साइंस और लाइफ साइंस ये भी नंबर वन, ये दोनों नंबर वन है आपके लिए, बेस्ट कॉम्बिनेशन है, इसको इनको आप ऐसे चूज कीजिए। अदरवाइज आप पोस्ट ग्रेजुएशन बायोलॉजी की तरफ से करना चाहते हैं, लाइफ साइंस की तरफ से करना चाहते हैं, तो आप साइंस लाइफ साइंस आपके लिए बेस्ट हो गया। अगर आप केमिस्ट्री फिजिक्स की तरफ जाना चाहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आप साइंस के साथ फिजिकल साइंस लीजिए, साइंस करके आप पीजीटी के लिए डायरेक्ट मास्टर कैडर के लिए एलिजिबल हो गए, और लाइफ साइंस या फिजिकल साइंस साथ में जो लोग इसके लिए आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। गुड इवनिंग सर, आई हैव डन माय ग्रेजुएशन इन बीएससी मेडिकल विद सब्जेक्ट्स जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री जनरल इंग्लिश जनरल पंजाबी, पिछले वाला केस है, आई हैव डन माय एमए इंग्लिश, देखा केस पिछले वाला नहीं है, मैं भी गलती कर गया ना, केस यूनिक बन रहा है, देखिए ना ये स्ट्रीम चेंज कर बैठे हैं, एमए इंग्लिश में चले गए हैं, सर मेरे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे प्लीज, क्योंकि आपने एमए इंग्लिश कर ली है ना, तो आपका वैसे तो बन रहा है जो पीछे बता के आया हूं, आपका बन रहा है साइंस, पहला कॉम्बिनेशन क्या बन गया, साइंस और फिजिकल साइंस, और दूसरा बन गया साइंस एंड लाइफ साइंस, ठीक है, तीसरा साइंस प्लस इंग्लिश, ये आपके लिए है, क्योंकि आपने एमए इंग्लिश की हुई है, ये ऑलरेडी डन है आपकी, इट मींस अगर आपका इंटरेस्ट इंग्लिश में बन रहा है, इंटरेस्ट क्या, आपने एमए इंग्लिश ही कर ली है स्ट्रीम अपनी को, थोड़ा सा डिविएट हो गया, दैट इज वाई आप साइंस लैंग्वेज नहीं, साइंस इंग्लिश को ही प्रेफर कीजिए। अगर आपको लगता है कि यार मैं इंग्लिश एमए करने के बाद इसको अच्छा टीच नहीं कर सका, जहां आपके एमए इंग्लिश में से 55 से लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में शायद 50 होते हैं, अगर 50 से मार्क्स कम है तो ये मत लीजिए, फिर आप फिजिकल साइंस या लाइफ साइंस की तरफ जाइए, जिसकी आप पोस्ट ग्रेजुएशन बाद में करना चाहते हो। सर मैं बीएससी मेडिकल एमएससी जूलॉजी की हुई है, मेडिकल है, इट मींस आपने क्या पढ़ा है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो और जूलॉजी आप होगी, मैं एमएससी, ठीक है, ये बायो की स्ट्रीम होगी, लाइफ साइंस चूज करने के बाद मैं मास्टर कैडर लिए एलिजिबल, हाँ नो आप नहीं एलिजिबल, लाइफ साइंस को चूज करने के बाद आप जूलॉजी की है, आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो, मास्टर कैडर के लिए नहीं एलिजिबल हो, दैट इज वाई अगर आपके पास फिजिक्स बायोकेमिस्ट्री है तो आप साइंस क्यों नहीं लेते, आप साइंस लेके लाइफ साइंस क्यों नहीं लेते, लाइफ साइंस आप साइंस और लाइफ साइंस का कॉम्बिनेशन को प्रेफर कीजिए, हर हालत में आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन है, बेस्ट बेस्ट बेस्ट, मतलब बहुत बड़ी दूर है, मैं कहूं कि आप कॉलेज, मैं कहूंगा कॉलेज बदलो लेकिन लाइफ साइंस और लाइफ साइंस ना बदलो, साइंस से अगर फिजिकल साइंस की तरफ जाते हो तो आपको जूलॉजी में लिखा है बायोलॉजी में लाइफ साइंस में आ रही है, तो फिजिकल साइंस में नहीं आ रही, तो फिजिकल साइंस के लिए आपको पीजी और एक करनी पड़ेगी, बीट करनी पड़ेगी, एनर्जी लगानी पड़ेगी, आपके लिए साइंस लाइफ साइंस इज बेस्ट। सर मैं बीएससी मेडिकल बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री की है, देन एमएससी जूलॉजी की है, शायद उधर भी तुम क्वेश्चन पूछा है, लाइफ साइंस फिजिकल साइंस चूज करने के बाद मास्टर कैडर दे सकते हैं, मास्टर कैडर के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, आपको साइंस ही लेना पड़ेगा, साइंस के बाद ही मास्टर कैडर के लिए एलिजिबल हो, ठीक है, आपने बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री तीनों पढ़ी हैं,
तो आपने मेरे ख्याल में एमएससी जूलॉजी की है, तो आप साइंस और लाइफ साइंस का आपके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन है, इसको क्यों चूज करते हैं?